16 मुहर्रम उल मुहर्रम की सुबह इन सबको तैयार किया गया दोबारा और इन्हें शाम की तरफ ले जाया गया। अब शाम की तरफ जो लेके गए हैं वो एक लंबा अरसा है, वहां से कूफे से शाम तक का जो फासला था और फासला है अभी भी वो तकरीबन 960 किलोमीटर बनता है, 960 किलोमीटर बनता है। आप अंदाजा लगाएं कि 16 मुहर्रम को कूफे से ये काफिला रवा दवा हुआ है और पहले सफर को उसी साल के ये शाम दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचा है। आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन ये 14 दिन मुसलसल सफर करते रहे हैं। 14 दिन का ये सफर कयामत से कम नहीं था और इस सफर में बहुत सारे मुअर्खीन ने बहुत सारे रूट्स बताए और उनमें से तीन रास्ते जो है वो ज्यादा मुहतमल बताए गए हैं, यानी उनका इम्कान ज्यादा है कि उन रास्तों से गुजारा गया। एक रूट है जो बिल्कुल ही रेगिस्तान और सहरा से गुजरता है और यह सबसे शॉर्ट रास्ता है, कूफे से दमिश्क तक जाने वाला रास्ता। ये शॉर्टकट है मगर बहुत डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि अगर अच्छी तैयारी ना हो खाने पीने की और सवारी की अच्छी तैयारी ना हो और अच्छा इंतजाम ना हो तो डेजर्ट में मुसाफिरीन जो है वो फंस सकते हैं और सफर ही में उनकी हलाकत हो सकती है क्योंकि टोटल डेजर्ट वाला ये रूट है, ये रास्ता है। दूसरा रास्ता थोड़ा सा लंबा है पहले रास्ते से और वो है फरात के किनारे से एक रास्ता निकलता है और फरात को आप जानते हैं कि इराक ही से ये नदी फरात की या ये दरिया फरात का जो है वो निकलता है और ये शाम तक जाता है, शाम से गुजरता हुआ फिर खलीज फारस में जाकर के ये दरिया गिरता है समंदर में। तो ये जो फरात का रास्ता है अक्सर तिजारती काफिले और अक्सर जो आराम से सफर तय करने वाले जिनको जल्दी नहीं होती है वो इस रास्ते से सफर तय करते हैं। क्यों? इसलिए कि इसके दो फायदे हैं, वो डेजर्ट वाला खतरा नहीं है और साथ में दूसरा फायदा ये कि मुसलसल जहां जहां पानी की जरूरत हो, चूंकि ये फरात के किनारे से गुजरता है तो फरात के दरिया से ये फायदा उठा सकते हैं और पानी की जो सहूलत है उससे भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है दजला के साथ, वो भी एक दरिया का रास्ता है मगर दरिया के साथ वाला रास्ता है, किनारे दरिया के। ये दजला भी टर्की से निकलता है, दजला का कि नहर कहिए या इसको अगर दरिया ना भी कहें तो कम से कम ये एक नदी, एक नहर जो टर्की से निकलती है और ये शाम तक जाती है। अगर इस तीसरे रास्ते की तरफ जाएं तो इसका थोड़ा सा लंबा रास्ता बताया गया है। अब इन तीनों रास्तों में भी तहकीक करने वालों ने बड़ी तहकीक की है कि यजीदी काफिले ने, यजीदी कारिंदों ने इन उसरा को किस रास्ते से शाम तक पहुंचाया। कहते हैं कि जिन हालात में उनको बेकजावा ऊंटों पर बिठाया गया था, सरहाए शोदा को शोहदा को नौ के नैजे पर आगे अलम की तरह उठाया हुआ था और उन्हें जल्दी भी थी और फिर जो टाइमिंग जो हर मुअर्रिख ने कंफर्म किया है कि 16 मुहर्रम को ये निकला है और पहली सफर मुजफ्फर को ये काफिला दमिश्क तक पहुंचा है, तो 14 दिन में इतना लंबा सफर जो तय हो सकता है वो एहतमाल कभी यह है कि वो पहला जो हमने रास्ता बताया यानी बादियतुश्शाम, वो रास्ता जो डेजर्ट से गुजर, सहरा से
गुजर के जाता है, शॉर्टकट भी है। इसके लिए जो ज्यादातर एहतमाल है कि इस रास्ते को उन्होंने उठाया हो तो उसमें मशक्कतें बहुत ज्यादा हुई हैं, जहमतें बहुत ज्यादा हुई हैं, और बहुत सारे अहले बैत अतहार के बच्चों की इस पूरे सफर में शहादतें भी हुई हैं। बच्चे गिरते थे डेजर्ट में, उनके लिए पानी का मसला होता, प्यास की शिद्दत होती और उनके लिए एहतमाम नहीं होता, इंतजाम नहीं होते, तो उनकी जो है वो वफात हो जाती। तो उस पूरे सफर में चूंकि बच्चों की वफात ज्यादा हुई है और सफर भी बहुत 14 दिनों के अंदर अंदर तमाम हुआ है, एहतमाल यह है कि इन्होंने वो दो रास्ते दजला या फुरात के किनारे से नहीं गुजारा है बल्कि डेजर्ट के रास्ते से।